हेलो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लाइफ साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी जॉब के बारे में जॉब वैकेंसी के बारे में ठीक है जो निकला गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी चेन्नई से ठीक है सो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लिया जा रिक्रूट किया जाएगा और यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट ये सब बहुत सारा पोस्ट है टोटल फाइव पोस्ट है एंड उसके लिए एट्टी नाइन नंबर ऑफ पोस्ट है एंड यहाँ पे जो लाइफ साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी पोस्ट है वही हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में सो so, फर्स्ट जो पोस्ट है वो है प्रोजेक्ट असिस्टेंट पोस्ट टू एंड इस पे जो सैलरी uh, <coughs> होगा वो था वो है प्लस एच आर ए ठीक है और मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो है फोर्टी इयर्स और इसके लिए जो लाइफ साइंस पोस्ट है एक ही पोस्ट है फॉर अनिजर्व कैटेगरी एंड क्वालिफिकेशन चाहिए पीएचडी और एम टेक इन मेरीन बायोलॉजी और एल्गी और फिन फिश कल्चर और बैलेस्ड वाटर ट्रीटमेंट और बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट ठीक है और विथ थ्री इयर्स एक्सपीरियंस इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ और माइक्रोबिन एल्गल और मेरीन फिश कल्चर और बैलेस्ड वाटर ट्रीटमेंट ठीक है और नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट वन पोस्ट इसके लिए जो सैलरी है वो है फिफ्टी सिक्स थाउजेंड प्लस एच आर एंड इसका जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है थर्टी फाइव ईयर्स ठीक है और इसके लिए जो लाइफ साइंस पोस्ट है वो है यहां पे लाइफ साइंस थ्री पोस्ट है फॉर एसटी कैंडिडेट वन पोस्ट ओबीसी कैंडिडेट वन पोस्ट एंड ईड्लू एस कैंडिडेट इसके लिएकल्चर है, है और जूलॉजी और पॉटनी ठीक है एंड इसके साथ साथ नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है बायोटेक्नोलॉजी फॉर फोर पोस्ट ओके एंड इसमें ओबीसी वन ईडब्ल्यू एस वन अनिजर्व वन एंड एस टी वन ठीक है और इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए वो है एम एस सी बीटेक इन माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी और बायो इंफॉर्मेटिक्स ठीक है सो नेक्स्ट जो पोस्ट था, पोस्ट था है वो है प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट इसमें जो सैलरी है वो है ट्वेंटी थाउजेंड प्लस एच आर एंड इसके लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है फिफ्टी एंड यहाँ पे जो लाइफ साइंस पोस्ट है हम देख सकते हैं यहाँ पे लाइफ साइंस और बायोटेक्नोलॉजी पोस्ट है एट पोस्ट ओबीसी फॉर ओबीसी टू 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 पोस्ट 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 फॉर 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 एंड एंड सो पे जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन <coughs> चाहिए वो है बैचलर डिग्री इन माइक्रोबायोलॉजी और डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी और बायो इन्फॉर्मेटिक्स फ्रॉम अ रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी बोर्ड और नेशनल लैबोरेटरीज विथ सिक्सटी परसेंट मार्क्स ओके सो यही था जो सब पोस्ट था और यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सी डेट के अंदर हम अप्लाई कर सकते हैं और जनरल कंडीशन में द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर पोस्ट शुड अप्लाई ऑनलाइन थ्रू वेब लिंक दिस जो वेबसाइट है इस पे जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे आ, कुछ डेट्स दिया गया है जो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट टू का जो पोस्ट है उसमें जो लाइफ साइंस का पोस्ट था जिसके लिए इंटरव्यू और टेस्ट डेट है सेवेंटींथ सेवनटीन मार्च ओके एंड प्रोजेक्ट साइंटिस्ट वन का जो पोस्ट है उसके अंदर लाइफ साइंस और बायोटेक्नोलॉजी जो पोस्ट था उसके लिए इंटरव्यू डेट है सेवनटींथ मार्च सेम डेट और लास्ट जो पोस्ट है वो है प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट इसके अंदर जो लाइफ साइंस का पोस्ट है वो भी सेवनटींथ मार्च के अंदर सेवनटीन मार्च को आपका इंटरव्यू होगा एंड द वेब लिंक फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज अवेलेबल टिल फाइव पी एम ऑफ ट्वेंटी एट फेब्रुवरी सो ट्वेंटी एट फेब्रुवरी के अंदर आपको इस ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिलअप करके देना होगा ठीक है तो यही था इस जॉब नोटिफिकेशन ओके सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इसके इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा आप स्ट्रेट जाके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ठीक है सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो